चावल की कीमतों में आ रही तेजी अभी थमती दिखाई दे रही है। पहले 1509 धान की सप्लाई कमजोर होने से इसमें भारी तेजी आ गई थी। इसके साथ साथ अन्य बासमती प्रजाति के सभी धान चावल तेज हो गए थे, लेकिन अब चालू महीने में सभी फसल तैयार होने से मुनाफा वसूली की बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसके चलते धान और चावल में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल का मंदा आया है। बाजार जानकारों का कहना है कि आगे बहुत घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा करेक्शन के बाद एक बार फिर से तेजी बनती दिखाई दे सकती है। माना जा रहा है कि हरियाणा पंजाब में बिजाई अधिक हुई थी, लेकिन मौसम प्रतिकूल होने से अधिकतर धान में यील्ड कम बैठा हुआ है। वहीं यूपी व उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारीक धान की रोपाई कम हुई है, लेकिन उन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ने की खबरें मिल रही हैं। गौरतलब है कि सितंबर के महीने में सबसे पहले 1509 धान की आवक शुरू हुई थी, लेकिन पुराना धान सभी राइस मिलों में पूरी तरह समाप्त हो जाने से 1509 के आते ही स्टॉकिस्ट और मिलर्स दोनों ही मैदान में आ गए, जिसके चलते 2660 रुपये प्रति क्विंटल जंडियाला गुरु में सूखा धान बिकने के बाद ऊपर में 3140 रुपये तक व्यापार हो पाया। कुछ तो ढेरी अमृतसर में 3200 रुपये भी बिकने की खबर निकली। इधर 5000 रुपये का 1509 सेला चावल 5650 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। कुछ मार्केट में 5700 रुपये भी भाव देखने को मिले। इसी अनुपात में स्टीम चावल में भी तेजी आ गई थी। इसके साथ साथ 1121 सेला और स्टीम और उसके साथ अन्य चावल में भी एक साथ ही भारी तेजी के बाद पिछले 3 दिनों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जिसके चलते धान में 100 से 125 रुपये और बारीक चावल के भाव में 200 से 300 रुपये की गिरावट आई है। इस समय तेजी मंदी का व्यापार करने वाले व्यापारी वर्ग अपना माल बेचने में लगे हुए हैं, जिससे 300 रुपये प्रति क्विंटल का और मंदी के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में 1401, 1408, 1121 सहित सभी बासमती धान का दबाव बढ़ेगा, लेकिन यह भी भूलना नहीं कि पीछे के प्रतिकूल मौसम होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कमी चौतरफा आई है। इधर पूर्वी यूपी, बिहार और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में लगातार बरसात होने से धान की कटाई में भी विलंब हो सकता है। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर फिलहाल चावल के अंदर ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।